और नेगी जी को लग चुका है प्रेशर। ओ भाई सब कुछ थोड़ी बताना होता है। हमारी तरह बेवकूफी ना करें। अभी जो हमारी वीडियो देखती है आगा। और ये देखिए फुटबॉल भी खेल सकते हैं इनसे। नमस्कार दगड़ियों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव पहाड़ी माँ। तो आपको पता ही है जैसे कि मैं उत्तराखंड आया हूँ, उत्तराखंड में अपनी मामी के गांव आया हूँ सिमड़ी। तो अभी यहाँ से मैं अपने गांव जा रहा हूँ जो कि है पोखरी, जो थलीसेंट ब्लॉक में पड़ता है। तो अभी यहाँ से हम गाड़ी देख रहे हैं सिमड़ी नीचे मार्केट से, और फिर यहाँ से हम चलेंगे सीधा अपने गाँव की ओर, और इसके बाद आपको दिखेंगे कुछ गाँव के हमारे व्यूज। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं ट्रिपल घाट या पठानी, जहाँ से हमें मिलेगा 1 किलो बस। और ये बिजनेस कॉलेज है यहाँ का, जो कि इंडिया का नंबर दूसरा या तीसरे नंबर पे कॉलेज है, राजकीय व्यावसायिक विश्वविद्यालय। और अभी बन रहा है और सारी बिल्डिंग आप देखोगे कितना सुंदर जो पड़ेगा यहाँ पे उसके लिए कितना अच्छा। तो चाकी सैंड से 17 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं अभी ट्रिपल घाट, जिसको हम लाल माटी भी कहते हैं। यहाँ से हमने दूसरा रूट पकड़ना है हमारे थलीसेंड के लिए। तो अभी रोडवेज बस जो है देहरादून से निकल के आ रही है, तो उसका टाइम करीब 2 बजे है। तो देखते हैं कब तक आती है या नहीं आती है, और अगर टैक्सी मिलेगी तो हम उसमें चले जाएंगे। इसके बाद हमारा प्लान है पोखरी जाने का, जो मेरा गाँव है। तो ये हमारा पूरा रूट मैप है, ये काफ़ी रूट डिवाइड करता है। तो ये जो रूट है सीधा ये जा रहा है पौड़ी, ये रूट जा रहा है थलीसैंड, और जो ये रूट है इस रूट से हम आए हैं जो कि पठानी और चाकीसैंड इस तरफ का है। यहाँ तक तो मज़ा आया हमें काफ़ी, बहुत ज़्यादा आपकी सेवा में भी बहुत आनंद, जो आपने सेवा करी बहुत आनंद आया उसका। तो हमने थलीसैंड जाना है 54 किलोमीटर, उसके बाद 9 किलोमीटर पोखरी के लिए। तनिष्क कैसा लग रहा है भाई? यार तुम कैमरा लेके मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हो हर बार, तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेरे ऊपर गुस्सा। तुम्हें तो कंटेंट हो, तुम इसलिए लेके आ रखे। नहीं मैं खाऊं तो तुम मेरे ऊपर कैमरा ले आओ, मैं पीऊं तो भाई मैं वॉशरूम करने जाऊंगा तो तब भी वहीं आ जाओगे कैमरा और क्या। हां 10 कुंडी मार दे इसलिए यार तो आग घुसना पड़ेगा। तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा तो मेरे ऊपर चढ़ जाओ कैमरा लेके, कंटेंट चाहिए यार कंटेंट। ये देखिए कितना बेशरम इंसान है, अभी कैमरा नहीं हटा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तो अभी हम ट्रिपल घाट से चपलोड़ी आ चुके हैं, और ये पूरा डिस्टेंस था 8-9 किलोमीटर का। और जो रोडवेज बस जाती है थलीसैंड ब्यूरोखाल तक की, वो भी ख़राब हो चुकी है ये सुनने में आ रहा है। तो अभी देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा पैदल बदल करके हम जा रहे हैं सैनजी तक। और तनिष कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस पूरा तुम्हारा चेकिंग का? जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है। बड़ा ये सगने कोवल मार्केट था सैनजी, ये सगने मार्केट 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 तो नोटा में है। नोटा कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर? 2-3-4-5 किलोमीटर। तो भैया नहीं भी बोला जी से पूछा गाड़ी का, पर अभी हमें कोई भी एक अच्छी राह की और सिग्नल नहीं मिल रहा है, और नेगी जी को लग चुका है प्रेशर। ओ भाई सब कुछ थोड़ी बताना होता है, प्राइवेसी मेरी ऐसी ऐसी कर रखी है। नेगी जी को प्रेशर लग चुका है, अब देखते हैं हाँ वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक ही बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से थलीसैंड 45 किलोमीटर है। अभी कुछ गाड़ी का कुछ नहीं पता है हमें, कैसे जाएंगे क्या क्या हो पाएगा। 2 hours later. तो अभी हम पहुंच चुके हैं नोटा और गाड़ी मिल चुकी है हमें। यहाँ से हम जा रहे हैं चौरीखाल, और चौरीखाल से हम पैदल रास्ता तय करेंगे हमारे गांव। आप कुछ कहना चाहेंगे? ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वीयू अपाणू बिराणू चा ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वीयू अपाणू। तो करीब 30 किलोमीटर तय करके हम आ चुके हैं चौरीखाल। तो चौरीखाल मार्केट में है, यहाँ से हम अब शायद पैदल जाएंगे या फिर देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है पोखरी के लिए तो वहाँ जाएंगे। बाकी कैसा लग रहा है यार आपको
सफर अब तक का तो खतरनाक रहा है, ठंड लग रही है बहुत भयंकर वाली, और ये आज एडवेंचर से बड़ा पूरा रास्ता है क्योंकि अभी पता नहीं है पैदल जाना पड़ सकता है। ऑलरेडी एक दो किलोमीटर पैदल चल गया। और नेगी जी तो ये है पहाड़ की स्पेशल बालूशाही, जलेबियाँ भी मिलती हैं आपको रास्ते भर में, तो इसी से आनंद आता है। थोड़ा रख दिया, ये 10 रुपए का पीस मिला है अपने को, चौरी खाल में लो खाइए आप भी। बाकी ये है हमारा चौरीखाल बाजार, और चौरीखाल बाजार में 2-3 दुकानें ही हैं जिनमें आपको छोले मिल जाते हैं, तो छोले के लिए काफ़ी फेमस है ये। और अब पैदल रास्ता निकल रहा है हमारा पोखरी के लिए, चलो पकड़ के रोने मिले पहली बोल ली छो, मिले पहली बोल ली छो, आलू भुजिया खाना बुला। क्या व्यू है और बड़ा ही अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा। और ऐसा हमारा प्यारा सा छोटा सा रास्ता जो हमें ले जाएगा हमारे गांव पोखरी। बीच में एक जगह है जहाँ से हमने थोड़ा पूछना पड़ेगा कि हमें किस और जाना है, तो बाकी जो रूट मैप होगा वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा जिस तरह से हमें पता चलेगा, क्योंकि इस रास्ते में हम पहली बार जा रहे हैं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो देखते हैं पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, और सही सलामत पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं। तो अभी हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं और पूरा रास्ते में जंगल ही जंगल है, जैसे कि आप देखोगे तो आपको कोई इंसान दिखेगा नहीं, सिर्फ जंगल दिखेगा और कुछ जंगली जानवर दिख सकते हैं, तो काफ़ी रिस्की भी है। पर हाँ, अगर आप साथ जा रहे हैं 2-3 लोग तो ठीक है, लेकिन अकेले इस रास्ते पर ना आए, हमारी तरह बेवकूफ़ी ना करें। अभी हमारी वीडियो देखते हैं, बाकी 5 बज चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं। देखिए कौन से रास्ते अभी, अब बार बार 2 रास्ते आ रहे हैं, हम ऊपर वाला रास्ता चूज कर रहे हैं। ये देवाशीष भैया की दिमाग है, अब क्या बोले। नेगी जी पहाड़ी रास्तों में कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे कुछ लगने से रास्ता बदल नहीं जाएगा। नेगी जी को एक चीज लग रही है, प्रेशर। पहुंचने का प्रेशर यार, पहुंचने का कुछ और ना सोना भाई। तो अभी यहाँ पे 2-3 बच्चों के द्वारा पता चला है हमें कि अभी 1 घंटा लगने वाला है पोखरी तक, तो देखते हैं हम 1 घंटे में पहुंचते हैं, उससे जल्दी पहुंच जाते हैं, उससे लेट लगता है हमको। अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:12। अभी करेक्ट हो रहा है 5:12, तो मैं पोखरी में आपको टाइम बताऊंगा इसके बाद सीधा। बहुत रात हो गई और अब थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे, चलो। तो पूरे रास्ते में चीड़ के पेड़ हैं ये वाले, और इसमें होते हैं छोटे, तो ये किस काम आते हैं भैया बताएंगे आपको? इसके अंदर एक मतलब छोटे छोटे हो रहे थे बीज टाइप, बीज टाइप के, ठीक है, उनके अंदर जो हम खाते हैं वो है। अच्छा, तो खाते हैं, और इसको शायद आग जलाने के लिए भी होता है, आग जलाने के लिए अच्छा रहता है। हाँ, ठीक है, तो जो बीज है वो सारे बहुत सारी जगह में बहुत अच्छे काम कर, बीपी वगैरह में बहुत अच्छा काम करती है। इस पेड़ तो बहुत सारे वो है लकड़ी का काम आती है, प्लस ये फिरूल है वगैरह के नीचे लगाते हैं, ये जो ये पूरे फिरूल फिरूल है, फिरूल है ये जो है, ये एक निकाल के दे दो। हाँ, ये जो है तो ये इसी पेड़ से निकला हुआ। हाँ, फिसलन बहुत होती है इसमें भाई, फिसल गया तो ये सीधा सीधे सूढ़ी। और पूरे चीड़ के चीड़ी पेड़ है यहाँ पे सारे अभी, और ये देखिए फुटबॉल भी खेल सकते हैं इनसे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अब रोड के रास्ते आ चुके हैं हम, और अब पता नहीं कितना दूर है घर अपना, तो मैप में देखते देखते जा रहे हैं, और काफी ठंड भी होने लग गई है अभी, और घर में झूठ बोल दिया है कि हम गाड़ी के रास्ते आ रहे हैं। तो अभी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं हंसेश्वर महादेव मंदिर हसूड़ी, और टाइम हो रहा है करेक्ट 6 बज रहे हैं अभी, और पीछे मैं तनिष्क को बोलूंगा मंदिर दिखाना, इतना सुंदर लग रहा है, तो एक बार आप देखिए। यहाँ से अब करीब 2-3 किलोमीटर ही होगा पोखरी,
जो पैदल रास्ता हमने तय करना है, हसोड़ी गांव है ये सामने। और अभी हम हसोड़ी गांव से ही होते हुए हैं, ऊपर आपको दिखेगा जो लाइटें जल रही हैं वहाँ पे, तो वो एक बार दिखा दीजिए। ये ऊपर जो लाइटें दिख रहे होंगे आप, ये हसोड़ी गांव है हमारा। तो हमने पोखरी एंटर कर लिया है और अब यहीं से 2-4 मिनट लगेंगे हमें घर पहुंचने में। तो बस अब आ ही चुका है हमारा घर, यहाँ से थोड़ा सा ही है। चलो ये है हमारा घर। कितने साल बाद आया हो तुम यहाँ? 1.5 साल हो गए। तो ये पहुंच गया हूँ मैं और ये हमारा घर है और ये कमरा है हमारा, जहाँ पे मेरे पापा बड़े हुए हैं। मैं तो खैर देहरादून दिल्ली पला बड़ा हूँ, और हाँ यही बेड रहा होगा जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा समय बिताया, पूरा अपना बचपन बिताया। तो काफ़ी थक चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ ताऊ जी ही हैं अभी तो। और पूरे गाँव में नहीं, इस घर में। अच्छा। गाँव में तो काफ़ी लोग हैं, इतने लोग भी नहीं, लेकिन काफी घर खाली है। पर हाँ जो है तो अभी तो कोई दिखेगा नहीं, कल सुबह दिखेंगे, अगर कोई दिखेगा तो उनसे मुलाकात कराएंगे। बाकी तनेश्वर भैया कितनी हालत खराब हुई यहाँ तक पहुँचने में, गांव तो अभी तुमने देखा नहीं तो क्या पूछूं गांव कैसा लगा, पर कितनी हालत खराब हो गई भैया। अगली बार तो गाड़ी से आना है आपका ठीक है हमारा तो। मुझे तो अच्छा लगा, मजा आया मुझे तो।